नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मुरादाबाद के भगतपुर में ग्रामीणों ने राशन डीलर पर धांधली का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन। कोरोना वायरस से लड़ाई के बीच सरकार जनता को अनेकों लाभ दे रही है, यहां तक कि महीनों का राशन फ्री दे रही है, बावजूद इसके लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। राशन डीलर जमकर धांधलीबाजी कर रहे हैं, गरीबों को उनका पूरा हक नहीं मिल रहा है। अपने हक के लिए गरीब आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसी का फायदा उठाकर डीलर अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भगतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खबड़िया घाट में राशन डीलर गांववासियों को राशन नहीं दे रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को राशन डीलर के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर राम भरोसे 20 साल से डीलर बना हुआ है, जो दबंग प्रवृत्ति का है, जो कई महीने गुजर जाने के बाद भी कार्ड धारकों को राशन नहीं देता। कोई ग्रामीण अगर उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो वह उसे राशन नहीं देता, उल्टा मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। कोरोना वायरस की वजह से प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के बीच सरकार ने कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर राशन देने के आदेश जारी किए हैं, बावजूद इसके कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल रहा है। ग्राम खबड़िया घाट के ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर हर माह अंगूठे लगवाकर बाद में बहाना बनाकर राशन नहीं देता है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मामले को संज्ञान में लेकर कड़ी कार्यवाही करें, ताकि पात्रों को राशन मिल सके। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों में अनिल कुमार छज्जू, सचिन विनोद कुमार, चंद्रपाल सिंह, पिंकी राम सिंह, महेंद्र सिंह, भूरा ओम प्रकाश, धर्मपाल सिंह, सरोज देवी, सोनावती, लक्ष्मी विमला देवी, रजनी देवी, पप्पी तथा चंद्रवती आदि मौजूद रहे। मुरादाबाद संवाददाता जुल्फकार सैफी की रिपोर्ट। मैं यहां एक दिन छाप आई थी, जो हमारे समक्ष कब आई थी, ये अभी कुछ ही समय पहले आई थी, इलेक्शन से पहले जी। तो वहाँ उस समय एआरओ साहब आए थे तहसील से जी, खाद्यान्न विभाग के। मैंने जब इनकी कंप्लेंट थी तो मैंने इनसे एआरओ साहब से कहा, मैंने कहा भाई, मैंने कहा साहब ये जो है बहुत बीमार आदमी है, कमाने धमाने के लिए है नहीं, इनके दो बच्चे छोटे हैं और एक बेटी जवान है, ताकि इनका अंत्योदय का कार्ड बना दिया जाए। जो पात्र अपात्र हैं उनका कार्ड काट कर मैंने साहब इनको जो है अंत्योदय का कार्ड बना दिया जाए। उन्होंने कह दिया, बोले हाँ हाँ ठीक है हम कर देंगे और इनका ऑनलाइन करा देना। और जब ऑनलाइन कराया तो राशन डीलर ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया, बोले कोई वो नहीं चढ़ेगा, अंत्योदय के कार्ड के लायक नहीं हो आप। अब जब ये बताइए, जब अधिकारी लोग इनके सामने, अधिकारी तो डीलर के सामने कुछ कह देते हैं और पीछे कहते हैं तो कुछ कह देते हैं, तो ये बात अच्छी है बताइए आप? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये बेचारा गरीब आदमी है और मजदूर है, बिल्कुल निहम, कोई जमीन जायदाद नहीं, कुछ नहीं, और बीमार आदमी कमा नहीं सकता, धमा नहीं सकता, तो क्या इसका अंत्योदय का कार्ड नहीं बन सकता क्या? बनना चाहिए, बिल्कुल जाहिर कार्ड है तो हर अधिकारी देख सकते हैं, क्योंकि एसडीएम साहब को भी दिखा रखा था, प्रेरणा जी को, और एआरओ साहब को भी दिखा रखा है यहाँ पर, फिर भी अंत्योदय का कार्ड नहीं बन पाया। आप क्या काम करते हो? कुछ नहीं होता साहब, क्या मजदूरी करते हैं आप? ना कुछ नहीं, पेट से मजदूरी ना होती। तो आपको भी राशन कम देता है? हाँ कम देता। अधिकारी आते हैं कुछ नहीं करते? अधिकारी आए साहब, पीछे क्या तारीख में आयो? पीछे आए थे एसडीएम आई थे, एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब ने कही, बोले इसे पूरा देख लो, एक दो बार दिया साहब ने पूरा सारा राज्य आए कर। अच्छा, उसके बाद नहीं? और तीन रुपये ले था उनसे, कही मैंने तीन रुपये ले था तो कह रहा था एक बार दूसरा डील आया तो बोले कब तक के पैसे वापसी दे देंगे साहब हम तुम्हारे, मैंने कही कब तक के दे दोगे वापसी, दिला दो सर दादी। हर बार ही पैसे लेता है, हर बार 3 रुपए किलो के लेता। सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ राशन फ्री भी दिए गए हैं, कुछ मिला फ्री, फ्री मिला था। गांव में आती है जी, तो अभी एडीओ साहब आए थे वो सरदार जी, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा कार्ड सत्यापित हो गया, मैंने फोन करा उन्हें बाद में, तो बोले वो राशन वासन कार्ड कुछ नहीं बनेगा भाई तुम्हारा, बोले अपने डीलर से बात करो। डीलर से बात करते हैं तो वो 100 ले जाता है, कभी 150 ले जाता है, आराम से दारू पी के बोझ मार जा। 25 साल हो गए ने डीलिंग करते करते। 2016 से अब तक आपने कितने रुपए दे दिए होंगे उसको? लगभग दे दिए होंगे सर, ऐसे ही लगा लो तुम कि 2600-2700 रुपए दे चुका हूँ राशन कार्ड बनवाने के लिए, फिर भी राशन कार्ड नहीं बना। कितने वर्ष से डीलर है मौजूद? कम से कम 20 साल से सर। कहाँ रहती हो? क्या समस्या है आपकी? समस्या जो है पूरा राशन नहीं दे रहे। राशन डीलर, क्या नाम है राशन डीलर का? राम भरोसे। आप खबड़िया घाट में रहती हैं? हाँ। क्या चाहती हैं आप? जो चाहते हैं का हर वक्त वही फिर रहेगा, अब किसी और को भी मौका देवे। आप राशन लेने आती है तो कैसा व्यवहार करता है? वो डांटे धमकी देवे, कई फिर तो हमारे कट्टे फेंक फेंक दे, बच्चों को भेजते हैं। अच्छा, राशन कितना देता है?
25 किलो। कितने यूनिट हैं?